दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको अपनी इस डेली ऑटो न्यूज के 11th एपिसोड में। ऑटोमोबाइल में सबसे बड़ी न्यूज आ रही है कि हुंडई ने अपनी एलेंट्रा फेसलिफ्ट वर्जन को पेट्रोल इंजन में लॉन्च किया है, जिसकी एक्सपेक्टेड प्राइस आपको मिल जाएगी 14 लाख से स्टार्ट होकर 19 लाख तक। मतलब उसका बेस वेरिएंट आपको मिलेगा 14 लाख रुपीस में एंड उसका टॉप एंड वेरिएंट आपको मिल जाएगा 19 लाख रुपीस में। हालांकि आपको बात बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी काफी सेलिंग अच्छे से हो रही है। और बात करते हैं उसकी एक्सटीरियर डिजाइन की, तो काफी शार्पर एक्सटीरियर स्टाइलिंग एंड स्लाइटली रीडॉन डिजाइन मिल जाएगी। हुंडई ने ऑनली अवेलेबल पेट्रोल इंजन के साथ 2.0 लीटर यूनिट BS6 कंप्लायंट वर्जन के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगा, जिसकी मैक्सिमम पावर आपको मिलेगी 152 हॉर्स पावर की, जिसमें आपको ट्रांसमिशन मिलेगा 6 स्पीड मैनुअल टॉर्क कन्वर्टर एंड ऑटो ट्रांसमिशन। आपको बता दूं कि ये कार जब इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी, ये कम्पीट करने वाली है अपनी सेगमेंट में आने वाली सेगमेंट किंग किया सेल्टोस, हुंडई वर्ना और अपकमिंग हुंडई क्रेटा 2020 जैसी कार से। सेकेंड न्यूज दोस्तों आ रही है होंडा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। हालांकि इस होंडा सिटी आपको 2020 इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाएगी, जिसमें आपको पूरी रीडिजाइन दिखने को मिलेगी। उसमें आपको लाकर लंबा सिविक के प्लेटफॉर्म पे बना होगा, चौड़ी होगी और माना जा रहा है कि इस होंडा सिटी में काफी एडवांस फीचर्स भी अवेलेबल होंगे, जैसे कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टच स्क्रीन हो गया, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो के साथ आएगा। बहुत कुछ आपको होंडा सिटी में मिलने वाला है। उसमें आपको MG हेक्टर और किया सेल्टोस जैसे फीचर्स जैसे कि वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाएगा। वहीं उसकी इंजन पावर की बात करूं तो 1.5 लीटर पेट्रोल एंड डीजल इंजन BS6 कंप्लायंट के साथ मिलेगा, जिसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस आपको मिलेगी 10 लाख से स्टार्ट होकर 15 लाख तक और ये अक्टूबर में टोक्यो मोटर शो में प्रदर्शित हुई की थी। हालांकि 2020 के ऑटो एक्सपो में भी शायद ये लॉन्च किया जा सकता है। थर्ड न्यूज आ रही है दोस्तों हुंडई की ओर से, अपनी एलेंट्रा फेसलिफ्ट वर्जन को पेट्रोल इंजन में ओनली अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में काफी उसकी ऑलरेडी सेलिंग काफी अच्छी चल रही है। और बात करते हैं उसकी एक्सटीरियर डिजाइन की, तो उसमें आपको काफी शार्पर एक्सटीरियर मिलेगा, स्टाइलिंग और स्लाइटली रीडिजाइन कैबिन मिल जाएगी। हुंडई अपनी ओनली अवेलेबल ये कार पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल होगा, जो 2.0 लीटर यूनिट के साथ BS6 कंप्लायंट वर्जन होगा। हालांकि मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा 152 हॉर्स पावर, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ टॉर्क कन्वर्टर और ऑटो ट्रांसमिशन ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। और ये कार जैसे ही इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी, और ये अगेन होगी कंपीट करेगी अपनी सेगमेंट में आने वाले किया सेल्टोस, हुंडई वर्ना और अपकमिंग क्रेटा 2020। दोस्तों, गर्मा गर्म न्यूज हुंडई की ओर से आ रही है। हालांकि ऑल न्यू हुंडई टस्कन SUV स्पाइड हो गई है, जिसकी टेस्टिंग हो गई है। उसका कोड नेम रखा हुआ था NX4। टस्कन काफी लुक में काफी करंट मॉडल से इवोल्यूशनरी डिजाइन मिलेगी, काफी डोमेस्टिक चेंजेस देखने को मिल जाएगा। हालांकि उसमें इंजन पावर मिलेगा करंटली जो यूज होता है वही, लेकिन उसमें आपको इंडिया में आपको 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। हालांकि बाहर आपको 4 इंजन अवेलेबल है, जिसमें इंडियन मार्केट में बात करूं तो उसमें आपको 1.6 लीटर का टर्बोचार्ज यूनिट मिलेगा और दूसरा 1.0 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा। और एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उसमें आपको हाइब्रिड ऑप्शन भी मिल जाए, और उसमें आपको आने वाली हुंडई टस्कन काफी एडवांस लेवल पे होगी। उसमें आपको काफी शानदार फीचर्स दिए जाएंगे, जैसे कि उसमें आपको बहुत ही शानदार ऑडियो सिस्टम्स यानी कि ब्लूटूथ और हार्मन कार्डन के स्पीकर्स भी शायद उसमें आपको एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आज के डेली ऑटो न्यूज में बस इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं डेली ऑटो न्यूज के 12th एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड थैंक यू दोस्तों एंड तक देखने के लिए।